रेलवे लाइन ओवर ब्रिज के पास कि वहां पे काम कैसा चल रहा है और अब तक कितना काम हुआ है। यही सुमहान है जो कि बोध गया का दरवाजा आपको नजर आ रहा होगा। बोध गया हो जाएगा, बहुत कम समय लगने वाला है क्योंकि अद्भुत एक बनने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों टोल प्लाजा जो कि यूनिवर्सिटी बोध गया यूनिवर्सिटी के पास बनाया गया है उसका अपडेट देते हुए मैं आपको दुमहान पे पहुंच चुका हूं। बोध गया दुमहान पर गया बोध गया दुमहान 83 ने जो कि यहां पे ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है तो इसकी अपडेट हम देंगे कि इधर कैसा काम हुआ है और किस प्रकार से काम चल रहा है। तो अंत तक बने रहिएगा, अगर वो टोल प्लाजा का वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा। चलते हैं आगे। टोल प्लाजा अपडेट देते हुए दुमहान पर आप देख पा रहे होंगे ये दुमहान का सीन है जो कि ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। यहाँ पर भी बहुत बदलाव होने वाला है। तो दोस्तों ये ओवर ब्रिज का लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होने वाला है जो कि बोध गया दुमहान पे बनाया जा रहा है। आप देख पा रहे हो काम चल रहा है और मैं बता दूं कि यहाँ पे ओवर ब्रिज बनाना बहुत जरूरी था और क्योंकि यहाँ पे बोध गया का लिंकअप रोड है, यहीं से बोध गया का रोड निकलती है तो यहाँ पे बहुत जरूरी था। तो चलिए हम आपको आगे का अपडेट देते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ओवर ब्रिज को तैयार किया गया है और किया जा रहा है। इसे पहले मैंने अपडेट दिया था बहुत काम नहीं हुआ था लेकिन इस बार मैंने जो देखा हूँ उसके अनुसार बहुत काम हो चुका है और बहुत जल्द ये ओवर ब्रिज भी बन जाएगा। जैसे कि इससे पहले मैंने अपडेट दिया था तो IIM मगध यूनिवर्सिटी के बाद जो ओवर ब्रिज बन रहा था वो उसमें भी काम बहुत बाकी थे लेकिन वो कम्प्लीट हो गया है और उस पर गाड़ियाँ चल रही है। है जो कि बोध गया का दरवाजा आपको नजर आ रहा होगा, बोध गया संबोधि द्वार और यही दुमहान का एरिया है और यही यहाँ पे ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। देख रहे हैं पा रहे होंगे कितना विशाल ओवर ब्रिज यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है, कितना विशाल कितना गैपिंग इसमें यहाँ पे दिया जा रहा है और इससे जब बन जाएगा इस एरिया को बना दिया जाएगा तो बहुत मतलब कि अद्भुत लगने वाला है। आप देख पा रहे हो इधर भी कार्य जो है बहुत तेजी से चल रहा है और इधर का आप देख पा रहे होंगे जैसे भी चल रहा है तो लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस इसका ओवर ब्रिज का रहने वाला है और इधर से साइड से लिंक रोड भी दिया गया है। तो यही ओवर ब्रिज है दुमहान का जो कि बनने के बाद एक अद्भुत लोकेशन होने वाला है इस जगह पे और इस ओवर ब्रिज का भी अद्भुत लोकेशन गया सर बदलने वाला है अगर ये रोड तैयार हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मॉल भी है, अपार्टमेंट वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। ये ओवर ब्रिज को तैयार किया जा रहा है, एक अद्भुत रूप दिया जा रहा है। तो चलते हैं आगे, हम देखते हैं यहाँ पर भी एक छोटी सी लिंकअप दिया है जो गाड़ियाँ इस रोड से उस रोड में पास कर पाएगा क्योंकि गया टाउन में जो रोड चली जाती है उसके लिए यहाँ पे लिंकअप रोड दे दिया है कि कोई भी गाड़ियाँ आएगी तो इधर से जो आगे चलिए ना आप इधर से जो लिंकअप रोड दे दिया है गया टाउन के लिए जो गाड़ियाँ जाएगी उसके लिए ये लिंकअप रोड दिया गया है और जो कि पटना तरफ आगे बढ़ने वाली है गाड़ियाँ तो गाड़ी जितनी भी पटना तरफ आगे जा रही है वो इस रोड से जाएंगे, बाईपास के सहारे चलते जाएंगे और इसी रोड को घरते हुए पटना पहुंच जाएंगे और बहुत कम समय लगने वाला है क्योंकि अद्भुत एक बनने वाला है दोस्तों। रोड है जो कि ओवर ब्रिज के नीचे से बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये दुमहान का अपडेटिंग है मैं आपको दिया हूं और इधर से अगर हम लोग आगे चलते हैं तो रोड जो है कंप्लीट हो चुका है जो कि हमारे वीडियो में आप देखेंगे हमारे चैनल पर जाके तो मैंने पूरी जानकारी दी है और रेलवे लाइन जो आगे मिलती है यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर यहाँ से चलना पड़ेगा तो रेलवे लाइन मिलेगी। वहाँ रेलवे लाइन कंप्लीट अभी नहीं हुई है और वो भी बहुत जल्द हो जाएगी और अगर आप कहें हम उसका भी अपडेट बहुत जल्द देने वाले हैं अगर आप चाहिएगा तो। मैंने इससे पहले भी अपडेट दिया है अगर आप जाके देख सकते हैं और अभी हम चलेंगे बहुत जल्द रेलवे लाइन ओवर ब्रिज के पास कि वहाँ पे काम कैसा चल रहा है और अब तक कितना काम हुआ है। तो दोस्तों आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे यही ओवर ब्रिज है जो कि गया दुमहान का ओवर ब्रिज है।
जो बनाया जा रहा है और काम यही है, जो कि कुछ खास प्रोसेस नहीं है और बस बहुत जल्द ये आपको हम अपडेट देंगे अगर ये तैयार हो जाएगा तो, मतलब तैयार होने के बाद ही अपडेट देंगे, अगर ये बन जाएगा तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।